नमो रंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो अध्यायारम नमो लोये सवसाहुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्श सिद्ध्यर्थम संदर्श प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदा देव जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम् आत्मा बुद्धात्मैव परत्वेनैव चापरं क्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। दो द्रव्यों में अचिंता भाव है, भेद शाश्वत है। भेद किसी को करना नहीं है, शाश्वत है, भिन्नता है। प्रत्येक द्रव्य स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से है, और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नहीं। इसी को हम अनेकांत कहते हैं, जैन दर्शन का प्राण अनेकांत। आत्मा पर से विरक्त है, भिन्न है और अपने स्वरूप से है। इसलिए आत्मा के आश्रय से जो आनंद प्रकट होता है, सुख प्रकट होता है, उस आनंद के बल से यह जीव स्वयं ही पर से विरक्त होता है। सच्ची उदासीनता आती सहज बैरागी, बैरागी करना नहीं पड़ रहा, उसी सहज में बैराग होता। तो भेद शाश्वत है, भिन्नता किसी के द्वारा की गई नहीं है। भेद जानता नहीं है, अज्ञानी को ये भेद दिखाई नहीं देता। भेद दिखाई नहीं देता तो फिर जो दिखाई देता है उसी में अभेद बना कर बैठता है। चौथे अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टूटरमल जी ने मोह का कारण इंद्रिय ज्ञान को कहा। क्यों? अनादिकाल से जीव को इंद्रिय ज्ञान है, उस इंद्रिय ज्ञान से मूर्तिक पद आत्मा को तो जानता नहीं। इसलिए इस इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जो शरीर जानने मारता है वही मैं हूं ऐसा मान बैठता। एक चर्चा पहले की थी, शरीर के प्रति जो मोह उत्पन्न हुआ उस मोह का कारण भी शरीर नहीं है। शरीर के में मोह माने क्या है? शरीर है सोई मैं हूं, अपना तो नहीं, एकत्व। शरीर है सोई मैं हूं ऐसा एकत्व बना, इसका नाम मोह है। ये मोह क्यों है? इस मोह का कारण क्या है? इस जीव ने आत्मा को नहीं जाना। जिसने आत्मा को जाना उसे शरीर भिन्न भाषित होता ही है, उसमें उसे जिस शरीर को देखने के लिए स्वर्ग से देवता आवे, जो अक्षय रूपवान शरीर हो, अक्षय बलवान शरीर, अतुल बल वाला शरीर हो, उस शरीर में भी मोह नहीं होता। और नहीं तो ये बीमार शरीर सड़े शरीर में भी मोह नहीं छूटता। आप देखना, शरीर के रोग से घबरा करके कोई आत्मघात नहीं करता,
मानसिक रोगों से आत्मघात होती है। मानसिक रोगी टेंशन डिप्रेशन, मानसिक रोग वाला जीव आत्मघात, मर करके भी दुख से छूटना चाहता है। क्यों मर से दुख मरकर दुख से क्यों छूटना चाहता है? सातत संबंधी पूरी भूल है। उसने बाहर के प्रतिकूलता को ही दुख मान लिया, अनुकूलता को सुख मान लिया, देहाश्रित सुख दुख को ही सुख दुख मान लिया, इसलिए उसको ये लगता है ये छूट जाएगा तो सुख झंझट खत्म। लेकिन ये नहीं पता, आत्मा को जाने बिना यह दुख नहीं छूटेगा। दुख को ही सुख मानता है, दुख से छूटने के लिए बस वो ये सोचता शरीर छूट जाएगा दुख छूट जाएगा। अरे शरीर छूटने से दुख नहीं छूटेगा, मोह छूटने से दुख छूटेगा। क्यों? दुख का कारण मोह है, शरीर नहीं है। अभी आप पढ़ रहे थे, रोगों की पीड़ा शरीर में है, शरीर में नहीं है। रोग तो शरीर में, रोग अवस्था शरीर में है, लेकिन रोगों जनित जो पीड़ा है वो शरीर में नहीं है। शरीर तो दुख का भेदन करता ही नहीं। शरीर जब रह जाता अकेला, आत्मा निकल जाता है, तब उसको काटो पीटो बांधो छेदो भेदो जलाओ कुछ नहीं, उसे कहां दुख का वेदन होता है? उसे दुख का वेदन कहां है? लेकिन लिखा तो है रोगों की पीड़ा शरीर में होती है, मतलब रोग की पीड़ा जो शरीर को अपना मानता है उसे होती है। शरीर में होने का मतलब है शरीर को अपना मानने वाले जीव में हो रही है। सुख दुख का वेदन तो जीव ही करेगा, पुद्गल तो करेगा नहीं। तो जो पुद्गल नहीं करेगा तो क्या करेगा, कौन करेगा? कि जो पुद्गल को अपना मानने वाला जीव है वो जीव करेगा, उसको उपचार है यहां पुद्गल का। पर को अपना कौन मानता है? लौकिक में भी बतावा, पर को अपना कौन मानता है? आप कहोगे सभी मानते हैं। अरे सभी की बात नहीं है, कौन मानता है? कारण से जो अपने को नहीं जानता, जिसने अपनी मां नहीं देखी है वो मान सकता है पर दूसरी मां को अपनी मां, लेकिन जिसने अपनी मां देख ली भी ली है वह भले कितना ही लाड़ प्यार करे वो उसको अपनी मां नहीं मानेगा। ये तुम्हारी मां है? मां तो नहीं है, मेरी मां तो छोटे पर ही चली गई थी, ये मेरी बुआ है, इसी ने पाला पोसा है, मां ही है, मां ही है, मां ही समझो। लेकिन मां नहीं कह पाएगा, जिसने अपनी मां देख ली है, जिसके ज्ञान में मां का रूप बसा हुआ है वह किसी को मां स्वीकार नहीं करेगा। कोई दे देगा ले लेगा खा लेगा पी लेगा जो कुछ कर लेगा, सो जाएगा उठ जाएगा बैठ जाएगा सब कर देगा, लेकिन मां का मां मान लो, इसी को मां मान लो, मां तो नहीं मान, मेरी मां खो गई है। अरे मां खो गई है, ज्ञान थोड़ी खो गया मां का। वह किसी को कितना ही लाड़ प्यार करे कितना ही स्नेह दे बच्चे को, मां नहीं मान सकता, मेरी मां खो गई, मेरी मां चली गई, ये मां ही है, मां ही है बस। कितना उसको अंतर में मां का रूप बसा है वो मान है।
ऐसे जिसे अपना रूप बसा हो वो पर को अपना कैसे मान लेगा, कोई नहीं मनवा पाएगा। पुद्गल के बाह्य परिग्रह को, बाह्य वैभव को, पुद्गल को उसको अपना कैसे मान लेगा। निजात्म को निज का परिग्रह जानता जो नियत है, जो अपने को आत्मा जान लिया है, जिसके ज्ञान में आत्मा भाषित हुआ है, वह परद्रव्य है, परद्रव्य को जान रहा है, परद्रव्य के साथ व्यवहार भी चल रहा है, मेरा कह भी रहा है, लेकिन मां तो नहीं मानेगा। जैसे वो बालक भी मां नहीं मानेगा उसको, ऐसे कोई छोटा सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, चौथे गुण स्थान वाला, तो भी वो शरीर को अपना नहीं मानेगा। फिर रक्षा क्यों करता है, रोटी क्यों खिलाता है, बीमार हो जाए तो इलाज क्यों करता है। अरे भाई, तुम तो सेठ साहूकार व्यापारी लोग हो, दूसरे की धरोहर की भी रक्षा क्यों करते हो। या तो रक्षा भी मत करो या उसे अपनी मानो, बोलो। न तो अपनी मानेंगे और रक्षा भी करेंगे, अपने से ज्यादा रक्षा करेंगे उसकी। सेठ जी ये रखने ना, हाँ रख लिया, अपनी भी नहीं मानेंगे और रक्षा भी करेंगे। शरीर को हम अपना भी नहीं मानेंगे और शरीर की रक्षा भी करेंगे। बड़ी सुंदर चर्चा शास्त्रों में है, संयम में सहायक, संयम में निमित्त भूत शरीर की बड़े यत्न से रक्षा करना चाहिए। संयम में निमित्त भूत इस शरीर की, इस मनुष्य शरीर की बड़े यत्न से रक्षा करना चाहिए। योगचर्या करते हैं मुंडा, रोग होने पर योग्यता से उपचार करते हैं श्रावक, मुंडाज के शरीर भी रखते हैं। भले श्रावकों ने मुंडाज के शरीर का उपचार किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार तो किया उसे, क्यों स्वीकार कर दिया, जानते ये शरीर संयम का निमित्त है। एक साधर्मी थे बुजुर्ग, समाज में ठीक है बोलते थे करते थे, कई बार कह देते थे पंडित जी क्या करें, हम जानते जी बेकार आदमी है, हमें मालूम है लापरवाह है, इनके पास समय नहीं है, मंदिर के कामों के लिए, धर्म के कामों के लिए समय नहीं है, और टाल देते चार दिन का छह दिन में करते, लेकिन आप करें क्या इन्हीं से काम लेना। वो ये कहते करें क्या आप, काम तो इन्हीं से लेना, अब किसको बना है? ये टाल देती है, जा रहे जा रहे जा रहे, कर रहे कर रहे कर, देख रहे देख, एक के सवा भी खर्च हो जाता है, कहीं होता है, लेकिन करें क्या, काम में नहीं से लेना। तो हमने कहा ये सिद्धांत यहां भी है, शरीर को हम भिन्न जानते हैं, शरीर कृतघ्नि है, दुर्जन है, लेकिन क्या करें, शरीर से ही काम लेना, मुख्य मार्ग का निमित्त है। कड़वी तुमड़ी किसी काम की नहीं, लेकिन तिरने के काम की है। कड़वी तुमड़ी किसी काम की तो नहीं, खाओगे तो मरोगे, जहरीली है, लेकिन तिरने के काम आती है। ऐसे ही मनुष्य शरीर कृतघ्नि है, मलमय है, मल से उत्पन्न है, मल को उत्पन्न करता है, भिन्न है, अशुचि अपवित्र, जो कुछ भी तुम्हें कहना वो कहो भाई, तो काय को कहो कि उसके प्रति ज्यादा राग ना हो पाए। एक दृष्टांत दिया था तुम्हें, देखो जी सटरिंग लगाते, सटरिंग दिया था पहले,
शटरिंग लगाती हैं, यद्यपि शटरिंग हटानी है वो भी जानता है, शटरिंग हटानी है लेकिन फिर भी इतनी कमजोर नहीं कि बीच में ही हट जाए, उस पर दमच करके देख लेता है, उसी पर तो पूरा छत का वजन आएगा पहले दिन, उसके बाद सूखता जाएगी तो छत का वजन सूखता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन पहले दिन तो उसी पर आएगा। और शटरिंग अगर कमजोर हुई तो पूरा पूरा छत गिर जाएगी नीचे, हटानी है, ये बात सही है। ये कोई छत नहीं है, ये गंदगी है, यहां बल्ली लगी, यहां बल्ली लगी, यहां बल्ली लगी, यहां बल्ली, पूरा हॉल काम में नहीं आ रहा, लेकिन क्या करें, यही विधि है। हटाने हैं तो भी इतनी मजबूत है कि उस वजन को झेल लेती, कपड़े सुखाने हैं तो भी गीले करोगे, अरे सुखाना ही है तो गीले काहे को कर रहे हो, विधि है और कोई विधि नहीं है, करें क्या हम, ये व्यवहार है, ऐसा ही व्यवहार। नाव से उतरना है तो भी नाव में बैठोगे और व्यवस्थित बैठोगे, पांव लटका के नहीं, चाहे जैसे नहीं, व्यवस्थित बैठो। उतरना है, अरे तो उतरना है तब उतर जाना, जब तक बैठो तब तक व्यवस्थित बैठो उसमें। जब गंतव्य आ जाएगा नाव से उतर जाएंगे, बस से उतर जाएंगे, ट्रेन से उतर जाएंगे, अरे ट्रेन से पहुंचते हैं कि ट्रेन से उतरने पर पहुंचते हैं कि पहुंचने पर उतरते हैं, पहले से ही सामान बांधने लगते हैं, ए भैया स्टेशन आ रहा है जल्दी चलो सामान बांधो, और बैठते भी हैं, पैसा भी देते हैं, सब करते हैं। यही इसका परस्पर में निमित्त निमित्त संबंध है, यही व्यवहार है, लेकिन ये व्यवहार ही है परमार्थ नहीं। ऐसा करने पर भी कोई उस साधन को ही साध नहीं मान लेता, पर को ही स्व नहीं मान लेता, देह को ही मैं नहीं मान लेता, पार्श्ववर्ती है। आचार्यों ने भी पार्श्ववर्ती संस्कृत में, हिंदी में पड़ोसी, और ये तो आप जानते हो, पड़ोसी को अपना भी नहीं मानो लेकिन पड़ोसी से बिगाड़ो भी मत, पड़ोसी से बिगाड़ के क्या करोगे, पड़ोसी से बिगाड़ना भी नहीं, ऐसे शरीर को बिगाड़ना भी नहीं, अपना भी नहीं मानना, योग गाड़ी में भी खराब पेट्रोल डाल दोगे गाड़ी खराब हो जाएगी इंजन का, ऐसे इसमें अवच्छ वच्छण करोगे तुम्हारे परिणाम खराब होंगे। अगर अवच्छ वच्छण करेंगे तो परिणाम खराब होंगे, और परिणाम खराब होंगे तभी अवच्छ वच्छण करेंगे। कोई लौकिक में स्वच्छंद प्रवर्ता क्या कुछ खाने लगता, ए भैया बुढ़ापे में जाके बुद्धि बिगड़ गई, बिगड़ जाती तभी तो वो अवक्ष भक्षण करने लगता है, और अवक्ष भक्षण करेगा तो बिगड़ेगी कि नहीं, इसमें अगर मदरा जाएगी तो दड़खड़ाई आवाज होगी कि नहीं, अनर्गल वचन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। निमित्त निमित्त ऐसे ही संबंध है, इसलिए योग आहार विहार के द्वारा इसकी व्यवस्था होती है। अब ये चरणान योग हो गया, वह द्रव्यान योग हो गया, और दोनों एक साथ चल रहे, द्रव्यानुसार चरणम, चरणानुसार द्रव्यम। स्वभाव दृष्टि होने पर जैसा स्वभाव है वैसी ही परिणति होती है।
समझ में आया? स्वभाव दृष्टि होने पर जैसा स्वभाव है, ज्ञाता स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टि होती, ज्ञाता रूप परिणति होती, कर्ता रूप फिर परिणति नहीं होती, फिर लगता ही नहीं हम कर्ता हैं, हम स्वामी हैं, हम भोक्ता हैं। कि साहब सुख नहीं मानता तो भोक्ता क्यों है? अरे भैया तुम कड़वी दवाई में सुख नहीं मानते, खाते क्यों? तुम अपनी बताओ ना, कड़वी दवाई में कोई सुख मानता है फिर खाता क्यों? मांग करके खाता है, हमारा काढ़ा देना, हमारी गोली देना, वो हमारी दवाई दे, कौन सी? वो कड़वी वाली, मैंने कह करके कड़वी वाली। और खाते हुए भी उसे अच्छा नहीं मानता, और अच्छा नहीं मानते हुए भी खाता है। यही विधि है, अपना नहीं मानते हुए भी अपने जैसा व्यवहार करता है, उसकी संभाल कर रखता है, और संभाल करते हुए भी अपना नहीं मानता। शरीर की संभाल करते हुए भी शरीर को अपना नहीं मानता, और शरीर को अपना नहीं मानते हुए भी उसकी संभाल कर रहा। वह सेठ धरोहर को अपनी नहीं मानता हुआ भी उसकी रक्षा कर रहा है, और रक्षा करते हुए भी उसे अपना नहीं मान रहा। ये तो दुनिया है भैया, दो नयों से चलती है। आचार्य देव ने लिखा, अगर तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो, जिन मत की प्रभावना करना चाहते हो, तो दोनों नयों में से किसी नए को मत छोड़ो। नहीं छोड़ो का मतलब दोनों को उपाधि मानो ये नहीं कहा, दोनों को समान मानो ये नहीं कहा, दोनों को जानो समझो, निश्चय को निश्चय समझो, व्यवहार को व्यवहार समझो। बोलो बोलो और आगे स्पष्ट करो उसको। निश्चय को सत्यार्थ समझो और व्यवहार को उपचार समझो। लेकिन व्यवहार को व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ मत समझ बैठना कहीं, नहीं तो सारा लोकाचार बिगड़ जाएगा तुम्हारा। स्व स्त्री पर स्त्री का भेद कैसे करोगे? माता और पत्नी का भेद कैसे करोगे? कैसे करो? अपने घर का पड़ोसी के घर का भेद कैसे करोगे? धर्म के क्षेत्र में अगर आ जाओ तो आयतन और अनायतन का भेद कैसे करोगे? यदि एक ही समान तो कि भैया क्या कह रहे समान? आयतन अनायतन सब समान है, बच्चा बच्चा समान है, माता भगनी सब समान है, पत्नी सब समान है, समान है किसी अपेक्षा से। स्यादवा स्याद शब्द जिनवाणी में नहीं लगा होने पर भी समझ लेना चाहिए कि जिन वचन कोई भी जिन वचन स्याद शब्द के बिना नहीं होता। माता और पत्नी समान है स्त्रीत्व की अपेक्षा, राजा और अंग समान है मनुष्यत्व की अपेक्षा। लेकिन राजा की जैसे दस्तक चलेंगे वैसे रंग की चाय किसी के थोड़ी चल जाएंगे। तो समान होते हुए भी समान नहीं है, और समान नहीं होते हुए भी समान है कि नहीं? देह और आत्मा में भिन्नता है लेकिन कथनचित भिन्नता, सर्वथा नहीं। और सर्वथा भिन्नता निश्चय नए की अपेक्षा कहेंगे। अगर देह और आत्मा सर्वथा भिन्न है तो देह घर पे रखा और तुम यहां आ जाओ, आया जैसे कमीच उतार करके खूटी पर टांग देते हो ना, तो देह को भी ऐसे टांग दो, कर पाओगे? संश्लेष संबंध है वहां,
फिर भी तादात्म संबंध नहीं। जॉइंट जॉइंट ही होता है, जॉइंट जॉइंट ही है, संयोग संयोग ही है, संयोग वियोग तो नहीं है, वो संयोग एक तो नहीं है। संयोग शब्द का अर्थ सम्यक योग, संयोग माने सम्यक योग। योग किसको कहते हैं? जोड़, जोड़, योग बाकी गुणा भाग आते हैं ना, तो योग योग माने जोड़। अब जोड़ तो है ही, भले मालूम नहीं पड़े लेकिन जोड़ तो ये है। देखो जोड़, इसका जॉइंट कहां है? संयोग संयोग के काल में भी भिन्न भिन्न है, दो द्रव्य एक नहीं हो गए। टोटर मल जी ने क्या दृष्टांत दिया बोलो? अरे सोने और चांदी को गला करके एक पिंड बना दिया जाए तो भी सोने का कोई परमाणु चांदी रूप नहीं हुआ और चांदी का कोई परमाणु चांदी रूप नहीं हुआ। ऐसे देह का कोई परमाणु आत्मा रूप नहीं हुआ और आत्मा का कोई प्रदेश देह रूप नहीं हुआ। जिस समय देह में है आत्मा उस समय भी देह से भिन्न है की अकार करे तो सम्यक्त हो जाए। हजारों प्रश्न कर लेना तो भी उसमें एकत्व की सिद्धि नहीं कर पाओगे। आप कहोगे देह और आत्मा भिन्न है तो ऐसे इसमें कील ठोंक दी है जी, ऐसे इसमें कील ठोंक के देखो दर्द क्यों होता है। अरे दर्द का कारण अलग है, दर्द का कारण एक होना नहीं है, एकत्व की बुद्धि होना है। दर्द शरीर में ही नहीं हो रहा है, शरीर के एकत्व बुद्धि के कारण से दर्द होता है, ऐसे ही पर की ममत्व बुद्धि के कारण भी दर्द होता है। आपको बताया था बीमार बच्चा है और चेहरा तुम्हारा उतरा है, क्यों क्या बात है, स्वस्थ क्यों? वो पंडित बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चे की नहीं है, तुम्हारी क्यों उतरी हुई है? अपना ही तो बच्चा है, एक ही तो बच्चा है, बोलो भिन्न है कि नहीं है? बेटा आप जी सब नाम करा लो, अपने चाबी समारोह खुशी से दे देता है, खुशी से दे देता है उसको बच्चे को, और किसी को नहीं देगा, बच्चे को दे देगा। भिन्न जानता है कि नहीं, और फिर भी अपना जान मान रहा है कि नहीं, अपने जैसा व्यवहार कर रहा है। जगत में रहने की एक ये भी कला है, कला चतुराई, किसी को अपना समझना नहीं और पराया जैसा व्यवहार करना नहीं। आपकी दुकान है, जो ग्राहक आए आपकी दुकान है, किन किन की हो गई दुकान भैया? वो तो आपके लिए ही रेट है और हरेक के लिए यही रेट है। वो व्यापारी क्या कहेगा, आपके लिए ही दाम है भैया, बहुत उचित वाला है, बिल्कुल आपके लिए है, आप तो कह। और दूसरा है आपके लिए, गुरुओं का बात्सल्य ऐसा अद्भुत होता है, हर शिष्य सोचता है ये बात्सल्य मेरे प्रति है और उसका और गुरुओं का हर एक के प्रति है वैसा ही। एक मां के चार पुत्र हैं, अब छोटे पुत्र का विवाह हुआ तो उसके गीत गा रहे, उसको बुला रहे, उसको कर रहे। अब वो कह रहा है, सोच रहा है मेरी मां मुझे ही चाह रही है, ऐसा नहीं है। और मजरा अगर जो सोचे क्यों
तो मारा तो नाम भी नहीं लेती, हमें तो कुछ बुलाती नहीं, हमें तो कुछ करती। अरे बेटा तुझे कुछ मालूम है, तेरा विवाह हुआ था तो तेरे गीत गाए। जिसका प्रसंग आता है उसकी चर्चा करते हैं। जहां व्यवहार का प्रसंग है व्यवहार की निरूपण करते हैं, परमार्थ का कथन है परमार्थ की निरूपण करते हैं। परमार्थ की निरूपण करते हुए ये डर नहीं होता कि निश्चयवासी तो नहीं हो जाएंगे हम। व्यवहार की क्रिया करते समय ये नहीं लगता कहीं व्यवहारवासी हो गए तो, क्यों भाई तुम पूजा क्यों नहीं करते? बस आप पूजा करें, क्यों व्यवहारवासी हो गए तो। अरे भेद ज्ञान के बिना तुम जे पता नहीं है दोनों को उठा दोगे उभयवासी हो जाओगे, और दोनों को छोड़ोगे तो शून्यवादी हो जाओगे। आत्मा के भाव भाषण के बिना आभास छूटते ही नहीं है। तत्वों का भाव भाषण हुए बिना ये आभास नहीं छूटते हैं। अगर निश्चयाभास के डर से निश्चय को छोड़ोगे तो व्यवहाराभास हो जाएगा, और व्यवहार व्यवहाराभास के डर से व्यवहार को छोड़ोगे तो निश्चयाभास आया। कहीं ना कहीं हो जाए। अतिंद्रिय सुख जिसे नहीं भाषित होता उसे इंद्रिय सुख को कोई दुख मनवा नहीं पाता, उसे लगता ही है इंद्रिय सुख सुख है। अतिंद्रिय सुख जिसे भाषित हुआ उसे लगता ही है नहीं है इंद्रिय सुख सुख है, उसे लगता है इंद्रिय सुख ये तो दुख है, ये तो उसी क्वालिटी का है, ये तो आकुलतामय है। सारा खेल सारा एक मूल आधार आत्मा है, धर्म का ज्ञान का सुख का प्रभुता का मूल आधार आत्मा है। आत्मा को समझे बिना तुम्हारी समझ में नहीं आएगी ज्ञान किसको कहते हैं। इस इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान मानोगे, बड़ा विद्वान बहुत विद्वान है वो। विद्वान तो उसे कहते हैं जिसे भेद ज्ञान हो। बहुत अच्छा ज्ञान है उनको, भाषा का 18 भाषाओं का ज्ञान है। अरे 18 भाषाओं का ज्ञान है लेकिन ये ज्ञान है कि ये भाषाएं मेरी नहीं है, इनका बोलने वाला मैं नहीं। ये भैया कह रहे थे शाम को के बेहोशी में देह चली छूट जाती है, क्या कारण होता है? बेहोश रहना ही बेहोशी में देह छूटने का कारण है। आप बेहोश हो अभी, होश कहां है कि भगवान किसे कहते तुम्हें मालूम है? हमें नहीं आना इसे मंदिर, हमें नहीं सुनना था। होश में बोल रहे तुम, भगवान को भगवान समझो, मंदिर को मंदिर समझो, ने कथाओं को छोड़ो। हमें नहीं बैठने का, हमें नहीं गलत से पूजा करना, नहीं करने तो कौन पे एहसान कर रहे? पूजा करके कोई भगवान पर एहसान कर रहे हो क्या? ये पंडित जी कैसे हैं, ये बाबा जी कैसे हैं, कोई नमस्कार करे तो आशीर्वाद नहीं दे? अरे तुम आशीर्वाद के पीछे पड़े हो, ये बताओ भगवान को नमस्कार करते हुए आशीर्वाद ही था क्यों भैया? भगवान को तुमने नमस्कार किया आशीर्वाद तो हाथ उठाएगा, फिर काय को नमस्कार कर रहे? अरे कौन भगवान के लिए कर रहे हैं, अपनी विशुद्धि के लिए कर। वे आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं क्या तुम्हें पता है कुछ? आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है? आशीर्वचन बाद माने कथन, वचन ये आशीर्वाद है। तुम गायक भाव हो,
ये उनके आशीर्वचन हैं, आशीर्वाद हैं उनके, ये पूरा ग्रंथ आशीर्वाद ही है। तुम ऐसे आशीर्वाद को देख रहे हैं, वे ऐसे आशीर्वाद दे रहे कि तुम ये ए हाथ पर हाथ धरो तब काम बनेगा, कर्तव्य को छोड़ो। विचारना भेद शाश्वत है, बेहोशी में क्यों देह छूटती है कि भैया देह में बेहोश रहते हैं, और बेहोशी में जाने कितने काम कर रहे हैं, और कितने काम काय को सब काम बेहोशी में ही कर रहे हैं, होश में कहां काम हो रहे हैं। अरे रजुआ हाथी बेचे हो जी, होश में बोल रहे, होश में बोल रहा है वो शराब बोल रही है। जागृत किसको कहा है समय सार नाटक में, चित्र सारी न्यारी, सेज न्यारी, चादर भी न्यारी, यहां झूठी मेरी थपना, काया न्यारा सरी कर्म न्यारे, रागादिक भाव न्यारे, यहां मेरी झूठी स्थापना हो रही, यही मैं हूं, यहां झूठी मेरी थपना। जो सो रहा है वो सो रहा है, और जो जाग रहा है वो सो रहा है। आश्चर्य ये है कि वो अपने को जागता हुआ मानता है, मैं जाग रहा। आपसे कहें जाग जाओ तो कहे जाग तो रहे, और कैसे जाग जाओ। अरे जाग जाओ का मतलब ये है देह से बिना आत्मा का अनुभवन करो, रागादिक से बिना आत्मा का अनुभवन करो, उसका नाम जागना है। बेहोश किसको कहते हैं, परिभाषा की थी तुम बहुत पहले की थी, जिसे अपना होश न हो। अभी तुम्हें मालूम है दुकान पर क्या हो रहा है, तुम्हारी घर पे क्या हो रहा है मालूम तुम्हें, कछु नहीं मालूम, लेकिन बेहोश तो नहीं। लेकिन हम कहां हैं, हम को हैं एकदम, अरे बेहोश हो गया आदमी। लोक में भी बेहोश उसको कहते हैं जिसे होश नहीं है, तो मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। और जब होश आएगा, होश में आओगे, बेहोश हो गया सुचार आदमी, अस्पताल में ले गए, वहां उसको इलाज विलाज किया, होश आया, सबसे पहले होश आया, तो होश में क्या बोलोगे आप, मैं कहां हूं, तुम कहीं नहीं हो, तुम एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हें हम यहां ले आए, घबराओ मत, हमारी गाड़ी कहां है, हमारी अंगूठी कहां है, हमारी रुपया कहां है। उसके बाद की सब बातें हैं कि पहले की, बाद की बात है, सबसे पहले तो मैं कहूं का। बेहोश उसको कहते हैं जिसे अपना होश नहीं हो, होश माने ज्ञान। अज्ञानी उसको कहते हैं जिसको अपना ज्ञान ना हो, अज्ञानी उसको अगर मानोगे जिसको ज्ञान ना हो तो कोई अज्ञानी नहीं हुआ, सबको ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, किसी को सम्यक ज्ञान है, ज्ञान तो है, लेकिन जिसे अपना ज्ञान ना हो उसे अज्ञानी कहते हैं। यह जीव कब तक अज्ञानी रहता है, कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, बोलो समय सार जी की भाषा तो बोल दो कम से कम। जब तक ये जीव अपने को नो कर्म और कर्म से भिन्न नहीं जानता तब तक अप्रतिबुद्ध रहता है। जब तक कर्म और नो कर्म का कर्ता मानता है तब तक अप्रतिबुद्ध रहता है। जब जीव कर्म और नो कर्म को न्यारा जान लेता है, अपने को उसका कर्ता मान लेता है, समझ लेता है, उसी समय से जीव ज्ञानी हो जाता है।
ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे अपने में रागादिक भाव नहीं दिखाई देते, अपने में कर्म नहीं दिखाई देते, अपने में शरीर नहीं दिखाई देता। जिसे शरीर शरीर में दिखाई देता है, कर्म कर्म में दिखाई देते हैं, कर्म का उदय कर्म के उदय में दिखाई देता है, उसे ये नहीं दिखाई देता हमारा बड़ा पाप का उदय है, हमारा पुण्य का उदय है। भले आदमी पुण्य का उदय तो तब है जब उसका सदुपयोग करो, अभिमान करो तो काहे को पुण्य को उदय। हमारा बड़ा पुण्य का उदय, हमारे यहां तो पंडित जी रहती है और तीनों टाइम प्रवचन चलती है, तुम क्या बताओ जाते हो कि एक उदय है नहीं तो काय को पुण्य का उदय कहा चल रहा है कि कछु नहीं हमें ध्यान नहीं कहा चल रहा तो काय का पुण्य का उदय। पुण्य का उदय तो तब है जब उसका सदुपयोग करो भैया। इसमें इसी पद्मनंदी पंचशतका में आया दान की प्रसंग में सब व्रतोद्योतन में जो संपत्ति होने पर भी योग्यता होने पर भी, संपत्ति माने पैसे ही नहीं अकेला, रोटी होने पर भी आहार दान नहीं देता, ज्ञान होने पर भी ज्ञान दान नहीं देता, औषधि होने पर भी औषधि दान नहीं देता, औषधि का ज्ञान होने पर भी औषधि दान नहीं देता, कोई जीव भय में पड़ा हो तो उसे अभय दान नहीं देता, वह अपनी परलोक संबंधी अनुकूलताओं को स्वयमेव नष्ट करता है। आज सानी नहीं लगाओगे तो कल दूध का पियो, आज सानी नहीं लगाओगे तो कल दूध क्या पी लोगे बताओ। आज जो देह और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं करोगे तो कल समाधि कैसे कर लो पता। बात तो ये है मूल में, अब मानते ही नहीं हम, इसका नाम बेहोशी है, इसका नाम अज्ञान है, और इस अज्ञान में ज्ञान का अहंकार और होता है, मिथ्या भ्रम और हो जाता है। कोई पूजा नहीं करता, मंदिर नहीं आता, स्वाध्याय नहीं सुनता तो वो ये मानता हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे। चलो भैया तुम अच्छे हो, कर तो रहे हो, कछु कर तो रहे हो, अपन से तो अच्छे ही हो, ये मानता है। लेकिन जो पूजा करता है वो तो ये अपने को धर्मात्मा मानता है ना, मैं धर्मात्मा हूं, हम धर्म कर रहे हैं। स्वाध्याय सुन रहा है वो ये सोच रहा है कि हम ज्ञान अभ्यास कर रहे हैं, अंतरंग में विचार बिल्कुल नहीं कर रहे तो अभी ये सोचता है हम तो दोनों टाइम सुन रहे हैं, जबकि बिल्कुल अनसुनी कर रहा है। उसने एक शब्द बताया था तुम्हें, क्या कहते हैं हम सुनते हैं तब तो सब समझ में आता है, ये तेरा मिथ्या अहंकार है, सुनते हुए सब समझ में आता है। अरे विचार के लिए फाइल रख लो, जैसे न्यायालय में वो फाइल आगे निर्णय के लिए रख लेते हैं, स्वीकार आवेदन स्वीकार कर लेते हैं उसका, ऐसे विचार के लिए तो कम से कम स्वीकार करो, फिर इसका बुद्धिपूर्वक विचार तो करो, तब तुम्हें समझ में आएगी। समझ में आता है देह और आत्मा भिन्न है कि जे ही नहीं समझ में आती तो फिर क्या समझ में आता है। वह अपनी परलोक की परलोक पर बिजली पटक रहा है, ये समझो, संपदा माने पैसे ही नहीं अकेला, ये भी आपका छेव समय ये संपदा है। अरे आज तुम इस लायक हो तो तुमसे कहते भैया बैठो स्वाध्याय कर लेने, नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं करोगे मत करो तुम्हें भूल जाओ,
उसे शास्त्री लोग बैठे बच्चे, हमने बेटा हर स्वाध्याय चलाया करो, स्वाध्याय किया करो, किसी दूसरे के लिए नहीं, नहीं तो तुम ही भूल जाओगे, साल भर बाद ये याद नहीं है हमने शास्त्री करी है। और ऐसे ऐसे लापरवाह हो जाते हैं, तम्बाकू खान लगत, रात में खान लगत, आलू खान लगत, उन्हें हो सही नहीं, हमने क्या करो, कहां पड़े हमें हो सही नहीं। और जिन्हें थोड़ा सा गौरव रहता, स्वाभिमान रहता, भी नहीं हम नहीं करेंगे। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो अपने लिए, इतनी विनम्रता चाहिए विद्वानों में। देखो भाई, दो दिन के लिए कहीं जाओ वो अलग बात है, और जहां रहो वो अलग बात है। आप बैठो टाइम से और स्वाध्याय करना शुरू कर दो, अपने बैठो, जी आ गए थोड़ी जोर से बोलने लगे, जी और आ गए नक और जोर से बोलने लगे, उसकी बात की व्यवस्था और लोगों की है, तुम्हारी नहीं है। जब उन्हें दिखाई नहीं देगा जी कहां बैठे, तो अपने आप तखतिया लगा देंगे, जब सुनाई नहीं देगा अपने आप माइक लगा देंगे, जब इन्हें अच्छा लगेगा तो अपने आप बाहर भेज देंगे। ये काम सब उनका है, तुम्हारा नहीं। तुम तो ज्ञानाभ्यास अपने लिए करो। ओ धर्मोपदेश के काल में भी स्वयं को संवेदन की ऊर्जा रखना, प्रधानता रखना, दूसरों को समझाने की नहीं। हाँ, अगर तुमने ये समझ लिया हम समझाते अच्छा समझाते हैं, तो समझना अहंकार आ गया। हमने सोचा पूज्यपाद स्वामी क्यों बैल बैल लिख रहे समाज तंत्र में, मैं दूसरों को समझाता हूं, दूसरा मुझे समझाता है, उन्मत्त बच्चिष्ठा है, क्यों ये लिख रहे बैल कि हाँ ये चिंतन कर रहे। इस सुख शांति का उपाय ये है वेद ज्ञान करना, वेद ज्ञान कर रहे। हम जो सोचते रहते हैं वही तुमसे कह रहे, जो हम तुमसे अलग से नहीं कह रहे कुछ, अपने से जो 100 बार कहते वो तुमसे 10 बार कहते, इतना है बस, इतना अंतर है। अपने से 1 बार भी मत कहो और इनसे 10 बार कहो तो कैसे काम चलेगा। हम मंदिर न जाए और तुमसे कहें मंदिर जाओ करो, ऐसे कैसे बनेगा। आहार की व्यवस्था होने पर भी, भंडार भरे होने पर भी, बनाने के हाथ पांव बनने बुद्धि होने पर भी आहार दान नहीं करता, ज्ञान होने पर भी ज्ञान दान नहीं करता, ज्ञान होने पर भी ज्ञान दान नहीं करता। अरे तुम समयसार नहीं समझा पाओगे, नमुकार मन तो बच्चों को बैठा करके सिखाया करो। पाठशाला ही तो स्वाध्यायशाला का आधार है। छोटी छोटी बच्चों को आप बाबा बन गए तो छोटी छोटी बच्चों को बैठा और नमुकार मन सिखा दो, भगवान के नाम सिखा दो, इनका वजन हल्का हो जाएगा पाठशाला का। हम पढ़े लिखे नहीं, हम क्या कर सकते। अरे तुम क्यों नहीं कर सकते, कोई जोर से बोलो भैया, जोर से मत बोलो, धीरे ही बोलो, पर का फायदा, लोभ लालच में मत पड़ो, दुकान बाद में खोलना, पहले मंदिर जाओ, ज्ञान ना नहीं तो है और है क्या। दुकान खोल, दुकान कब खुलेगी, अज्ञान दान हो गया भाई। धर्मोपदेश को तुम ये सोचते हो शास्त्र रखे और हम श्लोक बांच पाए, अरे भैया शास्त्र रख करके श्लोक बांचो, सोचो एक बात बताओ, तुम सिंह को उपदेश दिया मुनराज ने, कैसे दिया होगा,
श्लोक बांचे होंगे, गाथाएं बांची होंगी, और वो सिंह गाथा और श्लोक सुनता होगा, समझता होगा। सिंह को, हाथी को, जटायु गिद्ध पक्षी को, बैल को, कुत्ते को रमुकार मन सुनाए तो रमुकार मन सुना हो एवं ज्ञान दिया होगा। जो जल रहा है, जो कट रहा है, बोला तुम नाग नागिन को, ए जो कटा सो तुम नहीं हो, जो तुम हो सो कटे नहीं हो, तुम तो अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हो। तो भी समझ गए वही कि हाँ समझ गए, मां की भाषा, पिता की भाषा को बालक अपने आप समझ लेता है। मां की भाषा और पिता की भाषा को बालक अपने आप समझ लेता कि नहीं? इतना सा बालक भी हो तो मां की भाषा को, भाषा को समझ रहा है कि नहीं? वो समझ गया कि नहीं? कोई खाने की चीज अच्छी की है तभी तो खिला रहे मेरे पिताजी, मेरी मां क्यों दे रही? मिट्टी मत खा, मिट्टी खाने से क्यों रोक रही? ये खाने लायक नहीं, देह अपना मानने लायक नहीं है, आत्मा अपना मानने लायक। सोचो लोरियां कैसे सुनाई होंगी उन माताओं ने, सुदोची बुद्धोची कैसे सुनाई होंगी? ये मत सोचो कि हम कछु जानते ही नहीं है, हमारे पास कछु है ही नहीं। अरे हम क्या पढ़ा सकते हैं? अरे क्यों नहीं, आप सिखा सकते हो वेद ज्ञान। हम देखते हैं बुजुर्ग लोग बैठ जाते थे और बच्चा इकट्ठे कर ले, उनने दो तीन पेंसिलें वेंसिलें रख ली अपनी, और वह ए इनाम देंगे, बता सुना मैं जीव हूं शरीर अजीव है। अब वो बच्चा याद कर रहा था मैं जीव हूं शरीर अजीव है। ये ज्ञान दान है, ज्ञान होते हुए भी जो ज्ञान दान नहीं करता, आहार की योग्यता होने पर भी आहार दान नहीं करता, हमें डर लगत, भारी डर डर डरता है कि ढीठ हो गए हम, सचमुच डर लगता है। अगर डर लगता होता तो सावधानी होती। लोक में भी जिसे डर लगता है वह निकलता नहीं अकेला कभी, डर लगा तो, और चाहे किसी के साथ थोड़ी जाएगा, वो किसी को साथ लेकर के जाएगा, टॉर्च लेकर के जाएगा, डर लगा तो ना भाई। ऐसे ही अगर तुम बाहर में निकलते हो तो पंच परमिष्टी को साथ रखो, जिनवाणी की टॉर्च ऐसे रखो, प्रभु प्रवचन मन दीप जोन के आ गया, तब तो हम माने डर लगत है, तब तो हम मानेंगे पूछत ने हैं कुछ पूछो, सावधानी रखो, यत्नाचार विवेक रखो, तो डर ठीक है, और नहीं तो काय को डर। डर के बहाने से हम बचना चाहते, धन की जरूरत हो धन करो, संपत्ति होती हुई संपत्ति, ये तुम्हारी संपत्ति है, टाइम इज मनी, समय भी संपत्ति है, समय लगाओ, समय दो स्वाध्याय के लिए। अरे हम पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, पढ़ने वालों की व्यवस्था तो कर सकते हैं, अनुमोदना तो कर सकते हैं, सहन तो कर सकते हैं, दुधारू गाय की लात सहन करते हैं, करते कि नहीं करते? काम का आदमी हो तो दो उल्टी बातें हम सहन करेंगे, बाकी कर दें, और बच्चे जरा सा उदम कर ले और पढ़ रहे हो तो सहन नहीं करेंगे, बंद करो कल से पाठशाला, क्या मंदिर में उदम होता है? अरे सहन कर भैया, उदम है, बच्चे उदम नहीं करेंगे तो क्या तुम उदम करोगे? और तुम बच्चों से ज्यादा कर रहे हो, बंद करा रहे। कोई भी कार्य किया जाता है
मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से किया जाता है। आप ज्ञान दान की अनुमोदना तो कर सकते हो, चलो बेटा बढ़िया पढ़ा रहे को, और पढ़ाते रहियो, कोई चीज की जरूरत हो दुकान से कह दियो, हमसे कह दियो, इतना तो कर सकते हो। कैसी सुंदर स्तुति बोल रहे, बढ़िया, अनुमोदना तो कर सकते हो। लेकिन कसायों की तीव्रता में अनुमोदना भी नहीं कर सकती अच्छे कार्यों की। अच्छे कार्यों की कसायों की तीव्रता हो तो अनुमोदना भी नहीं कर सकते। अच्छा इन्हें करो है, अब अनुमोदना नहीं होगी। अच्छा हो बुरा हो इन्हें करो, इन्हें श्रेय मिले। अरे किसने किया ये मत सोचो, बढ़िया फल ला, कहां से आओ, कौन लाया, ये नहीं पूछते, जल्दी से खाने लगते। अनुमोदना तो करो। अरे बे क्रियंच आहार दान दे रहे थे, बे अनुमोदन ही तो कर रहे थे, फुदा कही तो रहे थे, और अनुमोदना करने के फल से वे दातार के साथ ही मुक्ति को गए। जब श्रीअंश राजा मुक्ति को गए, उसी समय में बेवजी मुक्ति को गए। उसे कृत कारित अनुमोदना तीनों एक ही है, क्यों? तीनों में परिणाम तो तेरे जुड़े हैं और परिणाम तो एक से जुड़ रहे हैं। कर का धरा न पाइए जो कर दिया न हो, हाथ से धर दिया हो वो भी नहीं मिलेगा तुम्हें, जो हाथ से दिया है सो मिलेगा। हाथ से जो दिया है वो तुम्हें मिलेगा कि हाथ से धरा है सो? हमने हाथ से धर दो जिन कहा है, अरे कहा है, परलोक में काम आएगी ये सामग्री? नहीं आएगी। हाथ से जो दी है वो काम में आएगी, वो मिलेगी वहां। परमार्थ को परमार्थ समझो, व्यवहार को व्यवहार समझो, भेद ज्ञान को सदैव, अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है, लाइट हमेशा खुली रहने दो, अखंड दीपक, अखंड ज्ञान धारा, अखंड शांत धारा। जे जब में चक्कर मत पड़ो, ये अखंड शांत धारा और अखंड दीपक में, अखंड दीपक मने अखंड ज्ञान, अखंड शांत धारा मने अखंड समता। मेरी समता को कोई छीन नहीं सकता, चलायमान नहीं कर सकता। क्या कह रहे थे, शुरुआत कहां से की थी? भेद ज्ञान, भेद शाश्वत है, दो द्रव्यों में भेद शाश्वत है, जिसको आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र दीवार, कोई इसको तोड़ नहीं पा रहा। एक के दो कोई नहीं कर सकता, दो के ही दो होंगे, एक के दो कोई नहीं कर सकता। अरे एक के दस, एक दस के नोट के पांच, पांच के दो दे दे, एक दो देना, एक दे दे दो देना, दो कर देना, तो फाड़ करके दो थोड़े ही कर देता वो, दस दस के दो थोड़े दे देता है। अरे एक वो दस के बीच में है तो पांच पांच के दो हैं पहले से ही है। कुतर्क मत लगाना, एक के दो कोई नहीं कर सकता और दो के एक भी कोई नहीं कर सकता। दो दो ही रहते हैं, एक एक ही रहता है, अनेक अनेक ही हैं, एक एक ही हैं, अनेक कभी एक नहीं होता और एक कभी अनेक नहीं होता, और एक में अनेक गुण हैं, अनेक धर्म हैं, वो उसकी ये है, वो तो उसमें अंतर कर देते हैं।
जिसके पास भेद ज्ञान है उसे मलिन जल की परवाह नहीं होती। अभी कतक पर डालेंगे और साफ करके पी लेंगे। ऐसे जिसके पास भेद ज्ञान है उसे शरीर की परवाह नहीं है, कर्मों की परवाह नहीं है, औदयिक भावों की परवाह नहीं है। और जी पद्मनी स्वामी अकेले ने लिखी हो ऐसा नहीं, अनंत ज्ञानियों का एक मत है। मुंडराज पद्म प्रमलधारी देव ने भी यही लिखा, बोलो। विभाव असत होने से हमें उनकी चिंता नहीं है, विभाव असत होने से हमें उनकी चिंता नहीं है, वे तो अपने आप मिट जाएंगे। भरते इस वैभव में भरत जी कह रहे हैं, अरे तुम क्या मगदामर को जीतने की बात कर रहे हो, ध्यान से उठेंगे एक तीर यहीं से छोड़ेंगे, मगदामर तो यहीं लौट आएगा, यहां आ जाएगा, हमें वहां नहीं आना पड़ेगा। और वही हुआ। ये निशंकता के दृष्टांत हैं, निशंकता के दृष्टांत है। नई पर्याय का उत्पाद हो, पुरानी पर्याय का व्यय न हो, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। व्यय उत्पाद के बिना नहीं होता, उत्पाद व्यय के बिना नहीं होता, और उत्पाद व्यय ध्रुव के बिना नहीं होता। एक उठेगा दूसरा बैठेगा, लेकिन बैठने की जगह तो एक होगी, वहां से उठेगा वहां से बैठेगा, द्रव्य होगा कि नहीं। द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से सत्य ऐसा नहीं है, द्रव्य स्वयं सत्य है और पर्याय स्वयं सत्य है। पर्याय बदल जाएगी, पर्याय बदल जाएगी, ड्राइवर बदल जाते हैं और गाड़ियां चलती रहती 24-24 घंटे, 36-36 घंटे, ड्राइवर बदल गए, वहां से वो बदल गया, वहां से वो बदल गया, चलते बदलते, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं और देखो देश चल रहा, माली बदलते रहते हैं और बाग चल रहा, व्यवस्थापक बदलते रहते हैं व्यवस्था चल रही है। भेद शाश्वत है और भेद ज्ञान जिसके भीतर है, जिसके प्रकट हो गया है, उसको शीतल सांस, शीतल चित्त भयो जिम चंदन। चंदन समझ गए, स्वयं शीतल है औरों को भी शीतल कर देता है। तुम काय को आकुलता कर रहे हो, तुम्हें भी शीतल कर देगा। जगत के जीवों को भी शांतता में निमित्त है, शीतलता में निमित्त है, स्वयं शीतल है, स्वयं आनंदमय है। जिनका दर्शन, जिनकी मुद्रा, जिनका वचन जगत के जीवों को आनंद को प्रदान करने वाले, ये व्यवहार हो गए। विचारना, भेद नहीं मानता वहां भी भेद है, भेद नहीं मानता उसका फल आकुलता है। उसका फल आकुलता है और भेद को भेद जान लेवे उसका फल निराकुलता। ओम नमः।